इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है राज्यसभा से। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने बढ़ाए जाने का प्रस्ताव पास हो चुका है। आरक्षण संशोधन बिल को भी मंजूरी मिल चुकी है। राज्यसभा में सोमवार को जम्मू कश्मीर में आरक्षण संशोधन बिल को मंजूरी मिल गई। राष्ट्रपति शासन 6 महीने बढ़ाए जाने का प्रस्ताव भी पास हो गया है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में ये दोनों बिल पेश किए थे और इसी दौरान शाह ने जम्मू कश्मीर पर विपक्ष से सवाल किया कि कश्मीरी पंडित जो अपने ही देश के अंदर दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उनके धार्मिक स्थानों को तोड़ा गया, क्या वे कश्मीरियत का हिस्सा नहीं थे। 3 जुलाई से जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। 2 जुलाई को इसकी समयावधि खत्म हो रही है और जून 2018 से वहां राज्यपाल शासन लगा था। 21 नवंबर को राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने विधानसभा भंग कर दी थी और 20 दिसंबर से राष्ट्रपति शासन वहां लागू है। और इसी बीच ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने दोनों विधेयकों को समर्थन देने का भी ऐलान किया था। शाह ने कहा है कि अगर आप कश्मीरी पंडितों की बात करते तो मानता कि आपको कश्मीरियत की चिंता है। कश्मीरी पंडितों ने कश्मीरियत को जिंदा रखा और उन्हें भगा दिया गया। सरकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और अटल जी ने कहा था कि कश्मीर समस्या का समाधान जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत है। मोदी सरकार भी इसी रास्ते पर है। जब मैं जमहूरियत कहता हूँ तो विधानसभा के 87 सदस्यों तक इसे सीमित न रखे। शाह ने ये भी बताया है कि जब से देश आजाद हुआ तब से 132 बार 356 का इस्तेमाल हुआ। कांग्रेस ने भी इस्तेमाल किया और हमने तो परिस्थिति जन्य 356 का इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने तो केरल की पहली कम्युनिस्ट सरकार को गिराकर 356 के दुरुपयोग की शुरुआत की थी। कांग्रेस और विपक्ष के लोग इस पर कम बोला करें तो अच्छा है। शाह ने ये भी कहा है कि आजाद साहब ने कहा कि चुनावों में खून का कतरा नहीं बहा, लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही हुआ। दूसरी सरकार भी ऐसा करेगी तो हमें भी उसका बखान करना होगा। कश्मीरियत की जहां तक बात है, हम भी मानते हैं कि उसे संभालना है। मेरे जहन में एक सवाल उठता है और उसे रखना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि सूफी परंपरा क्या कश्मीरियत का हिस्सा नहीं थी? ये गढ़ था कभी? ये कहा चले गए? किसी ने तब एक शब्द क्यों नहीं कहा? पिछले दिनों केंद्रीय राज्य गृह मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक पेश किया था और इसके जरिए आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन किया जाएगा। बिल पास होने से अंतर्राष्ट्रीय सीमा आईबी के पास रहने वाले लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर जरूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद।